हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आरसी देहीवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसीसी कर। हम प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन का हम सॉल्व कर रहे थे और जो लास्ट जो सीक्वेंस थी हमने ख़त्म किया था। अप टू जीओसी तक जितने क्वेश्चन आए हुए थे 2013 टू 2019 तक, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा हाइड्रोकार्बन, जो कि 11th क्लास का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोब्यूटाइल ग्रुप की क्या स्ट्रक्चर होगी। तो आइसोब्यूटाइल से मतलब पता लग रहा है कि कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 4 कार्बन होने चाहिए। इसे पता लग रहा है कि 4 कार्बन होने चाहिए। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें 1, 2, 3, 4 है, और इसमें भी 4 है। ये सभी 4 ही हैं, बट आप देखो कि इस रेडिकल को हम बोलते हैं, इस रेडिकल को हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल, और इस रेडिकल को हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, और इस रेडिकल को हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, और इस रेडिकल को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हमें यहां से पता लग रहा है कि आइसोब्यूटाइल जो ग्रुप की स्ट्रक्चर आएगी। और ये क्वेश्चन दो जगह मैंने डिस्कस किया है, पीछे भी मैंने आपको एक जगह रेडिकल्स बताए हैं, वहां भी मैंने बताया था कि कैसे फॉर्मेशन होगा इसका। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा 3rd इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है वो कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जनरली तो अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो डिपेंडेंट करता है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, बट हम यहां अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक का ओजोन भी कंपोनेंट होता है, एक्रोलीन भी होता है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसको हम CFC बोलते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है। हमें से यही पूछा है कि नॉट ए फोटोकेमिकल कंपोनेंट, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4th। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है और इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा रहा है Br2 FeBr3। इस वाले कंपाउंड से क्या करवा रहा है, रिएक्शन करवा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिएक्शन है कौन सी। इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है और लेविस एसिड दिया हुआ है, तो ये जो है, ये वाला जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, और इधर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन का स्टेप होता है कि सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में होता है कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे क्या होता है, अटैक होता है, और थर्ड स्टेप में होता है डी प्रोटोनेशन, वापस से कंपाउंड एरोमेटिसिटी क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां से FeBr3 लेविस एसिड है, इस Br- को ले लेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास जनरेट होगा वो होगा Br+। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक कहां करेगा, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं किस रिएक्शन का, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये Br+ कहां अटैक करेगा, ये Br+ कहां अटैक करेगा, वो रिंग पे ऑलरेडी जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा।
अगर हम बात करूं कि ये CH3 है और ये CH3 है, इस CH3 का क्या लगेगा? प्लस H, और इस CH3 का भी क्या लगेगा? प्लस H. और आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि प्लस R, आपने ये पढ़ा होगा कि प्लस R एंड प्लस H ग्रुप्स आर ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव. ये आपने जब ये रिएक्शन पढ़ी होगी तो ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि प्लस R और प्लस H जो ग्रुप है वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव होते हैं. मतलब प्लस R और प्लस H वाला ग्रुप यदि रिंग पे प्रेजेंट है तो जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, उसको ऑर्थो पेरा पे भेजेगा. ओके, तो देखें इस CH3 की ऑर्थो पोजीशन कौन सी हुई? ये वाली, इधर वाली भी ऑर्थो. इस CH3 की ऑर्थो ये वाली, और ये पेरा वाली, और ये कौन सी हो गई? ऑर्थो. तो मतलब बेसिकली बात करें तो इस CH3 की बात करें तो इस CH3 की ऑर्थो पेरा ऑर्थो तीन पोजीशन. इस CH3 की बात करें तो ऑर्थो ऑर्थो पेरा. तो मैं बेसिकली आपके पास तीन जगह पॉसिबिलिटी है जहां BR जा सकता है. यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, और यहां जा सकता है. ये कैसे डिसाइड किया मैंने? ये डिसाइड किया मैंने ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव इफेक्ट से. वापस से देख लें, ये CH3 ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है तो इसका ऑर्थो ऑर्थो पेरा, तो तीन जगह पॉसिबिलिटी है BR जाने की. इसकी बात करें तो इसका ऑर्थो ऑर्थो और ये पेरा, यहां भी तीन जगह पॉसिबिलिटी है BR जाने की. अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की अगर बात करें, तो पॉसिबिलिटी कहां है कि हो सकता है BR यहां जाए? तो एक पॉसिबिलिटी आती है ये वाली. आप देखें कि पहली पॉसिबिलिटी जो आती है, CH3 यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, एक बार BR यहां जा सकता है. ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी आती है यहां कि ये CH3 BR यहां जा सकता है. तीसरी पॉसिबिलिटी आती है यहां पे ये CH3 और ये CH3 BR यहां जा सकता है. मैंने तीन पोर्शन बताई ना, तो तीनों पोर्शन पे तीन तरह के पॉसिबल प्रोडक्ट है. यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, और यहां जा सकता है. ओके, अब अगर हम बात करूं कि इनमें से अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनर आएगा, बहुत कम मात्रा में बनने वाला है. क्यों? क्योंकि तीन ग्रुप लगातार रिंग पे हो गए और इन तीनों ग्रुप के बीच में क्या होना स्टार्ट हो गया? रिपल्सन स्टार्ट होना हो गया. और जब रिपल्सन होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी सबसे कम है. अब ये वाला और ये वाला आपके पास पॉसिबल है. तो ऐसा अगर ऑप्शन चेक करें तो पहला दिया ये वाला, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे. मैंने बोला ये तो माइनर है, हमें बेटर ऑप्शन चूज करना है. इसमें भी ये दे दिया तो इस प्रोडक्ट को मैं मना कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत माइनर है. इसको मना कर दिया, इसमें भी ये आ गया, ये कैंसिल कर दिया. इसमें अगर बात करें तो यहां एक BR इस जगह जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इस जगह तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो मेटा डायरेक्ट मेटा पोर्शन हो गई, तो इसकी बात होगी. अब आप फोर्थ ऑप्शन को देखोगे, थर्ड ऑप्शन को देखोगे, तो मैंने जो बनाए हैं ये वाले दो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, तो आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा. होपफुली समझ में आ गया होगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सभी बच्चों को अच्छे ढंग से आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं. ठीक है, कोई डाउट? अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की. अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें बोला है कि जेड को आइडेंटिफाई करवाएं. तो आप यहां देखें कि सबसे पहले एल्किन आपको दी हुई है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये CH2 पहला. ये इसकी रिएक्शन करवाई है किससे? HBr H2O2. H2O2 का मतलब क्या? प्रोक्साइड. प्रोक्साइड का मतलब क्या? फ्री रेडिकल. कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. प्रोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन होता है, और अगर प्रोक्साइड की एब्सेंस हो, प्रोक्साइड नहीं दिया हुआ हो, तो HBr का एल्किन पे एडिशन
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा होता है। तो मैंने बोला यहाँ रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल एडिशन परोक्साइड, और परोक्साइड इफेक्ट में हम बांटते हैं कि प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। और अगर एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट की बात करें तो एंटी मार्कोनिको रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिको रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट या न्यूक्लियोफाइल पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब यहां पे अगर बात करें कि जो Br है, जो नेगेटिव पार्ट है HBr में, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मतलब इस पे Br जाएगा और इस पे कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो जो फर्स्ट आंसर जो आने वाला है वो आपके पास आने वाला है कार्बन कार्बन, ये कार्बन और ये CH2 और ये Br, ये प्रोडक्ट बना दिया मैंने एंटी मार्कोनिको। उसके बाद इस प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाई है C2H5O-Na+। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्कोक्साइड आयन है। कौन सा आयन है, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन की एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहां वाली ये जो रिएक्शन है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2 का। तो ये अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो आएगा कार्बन कार्बन कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए, उसके बाद ऑक्सीजन और ये C2H5। ऐसा ऑप्शन अगर चेक करें तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कहाँ है, ऐसा ऑप्शन अपने पास है फर्स्ट ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को अब आप देखें, हाइड्रोकार्बन से कनेक्ट किया, HBr का एडिशन पूछ लिया, एल्किन की प्रॉपर्टी पूछ ली कि कौन सी रिएक्शन होगी, बाद में विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की तरफ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबसन प्रोडक्ट। ओके, कंबसन का प्रोडक्ट क्या है बेटा, कंबसन का प्रोडक्ट है CO2। बोल रहा है कि कंबसन, हम जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबसन करवाते हैं तो कंबसन करवाने पर अपने पास बनता है CO2 और H2O। और CO2 का अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो सबसे पहले CO2 की अगर स्ट्रक्चर देखें तो CO2 की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, और यहां इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब CO का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। क्वेश्चन में ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबसन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एथेन बोला है, तो एथेन देखें, एथेन है आपके पास CH3 और ये CH3, इसका आप कंबसन कराओगे तो क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। तो ये तो sp है और यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्डेड है तो ये कौन सा हो गया, sp3, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड बोला है इथाइन, इथाइन क्या होता है बेटा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे भी क्या बनेगा, वही बनेगा CO2 और H2O। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है क्या आया है, sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंबसन का जो प्रोडक्ट है उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा इथाइन। उसके बाद एथीन की बात करें तो एथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एथेनॉल की बात करें, कार्बन कार्बन OH, इसमें sp3 होता है। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ए कंपाउंड आपको दिया हुआ है इज ऑप्टेनेबल फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। आपको इतने कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके ओजोनोलाइसिस से किस कंपाउंड के ओजोनोलाइसिस से ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये आपको चेक करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो ओजोनोलाइसिस का अगर क्वेश्चन है तो उसके दो वे हो सकते हैं, एक तो आप उससे वापस ये कंपाउंड बना के चेक कर लें, एक जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ब्रेक करके चेक कर लें। क्योंकि मैं बता देता हूं कि ओजोनोलाइसिस में जो डबल बॉन्ड है, ओजोनोलाइसिस में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोन H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये यहां से ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन आप ऐड कर सकते हैं, तो
तो एक तरफ तो बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरी तरफ भी बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला आंसर आता है। बट अगर हम यहां बात करें, ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ है, अगर मैं इस कंपाउंड को ब्रेक करता हूं यहां से डबल बॉन्ड को, तो इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, तो आप ये देख सकते हैं कि इससे जो बनेगा वो ये बनेगा, ये सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड ओ, और इधर ये सी एच थ्री और ये डबल बॉन्ड ओ। तो दोनों ही तरफ कौन सी ग्रुप आ रहे हैं, कीटोन ग्रुप आ रहे हैं, जबकि इसमें एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है एक तरफ कीटोनिक ग्रुप है, तो फर्स्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड कंपाउंड को यहां से ब्रेक करूंगा तो इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, तो ये सी एच थ्री, ये कार्बन, ये सी एच थ्री और यहां से ये एल्डिहाइड ग्रुप, यहां सी ओ एच, क्योंकि यहां एच प्रेजेंट है और इधर यहां पे क्या बना है डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोन है, तो पॉसिबिलिटी यहां पे आ सकती है। तो देखिए कीटोन 1 2 3 4, फोर नंबर पे क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए, सी एच थ्री से मैंने गिना 1 2 3 4, फोर नंबर पे मिथाइल है। फिर 5 और 6 नंबर पे क्या है एल्डिहाइड, तो सेकंड ऑप्शन सेट हो रहा है, मतलब सेकंड कंपाउंड का अगर मैं ओजोनोलाइसिस करूंगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ एच लगा हुआ है, यहाँ एच लगा हुआ है, दोनों ही तरफ क्या आएंगे एल्डिहाइड, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ भी दोनों तरफ क्या आएंगे एल्डिहाइड, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। दिस इज बिलोंग्स टू ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बोन सी एच सी एच थ्री विथ एच बी आर प्रोडक्ट। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है, एच बी आर के साथ रिएक्शन करवा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बोन्ड सी एच और ये सी एच थ्री, ओके, इसकी रिएक्शन कराइए एच बी आर से, ओनली एच बी आर से। एच बी आर से रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब हमें यह बात करना है कि यह बेंजीन रिंग है और इधर सी एच थ्री है, इस बेंजीन रिंग का क्या लग रहा है प्लस आर, प्लस आर के कारण इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। और या फिर ऐसे नहीं चेक कर सकते हो तो डबल बॉन्ड को उस डायरेक्शन में मूव करे कि पीछे बचने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि पहले अटैक कौन करने वाला है, H प्लस अटैक करने वाला है, तो H प्लस अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा सकते हो, इलेक्ट्रॉन उधर मूव करा सकते हो। तो आप दोनों वे में देखें, अगर इलेक्ट्रॉन इस वे में मूव किए तो H प्लस यहां चला गया, क्योंकि इस पे नेगेटिव आ गया, H प्लस यहां चला गया, तो इस वे में मूव किया तो मेरे पास उधर क्या बना, सी सिक्स एच फाइव बेंजीन रिंग सी एच और ये पॉजिटिव, और उधर आ गया, इधर इस सी एच पे एच जुड़ गया सी एच टू सी एच थ्री, एक वे ये था। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करवाता हूं तो एच प्लस यहां चला जाता है और वहां जाएगा तो क्या बनेगा, सी सिक्स एच फाइव ये सी एच टू ये सी एच प्लस और ये सी एच थ्री, तो दो वे हो गए ना। अब आप ये देखो, मैंने बोला कि प्लस आर लग रहा है तो प्लस आर की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की ऐसे होगी तो ये ऐसे रोटेट होंगे, एक तो वो बता रहा है। दूसरा, मैं बता रहा हूं कि अगर फिर भी कंफ्यूज होते हो तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आप रोटेट करके चेक कर लो, वे सही वो होगा, मेजर प्रोडक्ट उस वे से बनेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देखें यहां ये जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस से क्या है स्टेबलाइज, तो मैं लिख दूं स्टेबलाइज बाय रेजो, ये रेजो से क्या हो रहा है स्टेबलाइज, और यहां पे इसमें रेजोनेंस नहीं है, केवल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला वे गलत है, ऊपर वाला वे सही है। तो ये कार्बोकेटाइन बना, फिर यहां पे आके कौन जुड़ जाएगा, इस जगह कौन जुड़ जाएगा बी आर माइनस। तो देखें बेंजीन रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, बी आर होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो बेंजीन रिंग के जस्ट पास वाले पे बी आर सी एच टू सी एच थ्री आंसर जाएगा, वो जाएगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है और सिंपल सा एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोडक्ट इज, कि आपने बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है,
तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो देखिए आप इधर, बेंजीन V2O5 की प्रेजेंस में इसका टू टाइप से ऑक्सीडेशन होता है। टू टाइप से कैसे होता है? यदि आपने रिएक्शन कराई है 350 डिग्री सेल्सियस पे और यदि आपने रिएक्शन कराई है 450 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 350 डिग्री सेल्सियस पे इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तब तो बनता है फिनोल, और यदि आप 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाते हो तब बनता है मैलेइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब कैसे बना। मैलेइक एसिड होता है ना, मैलेइक एसिड ये वाला होता है ना, मैलेइक एसिड COH और ये COH, इस एसिड को हम बोलते हैं मैलेइक एसिड। इस एसिड का नाम है मैलेइक एसिड, और यहां से इसको हीट करने पर ये H2 बाहर हो जाता है और ये मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम कि V2O5 से जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि हमें ये बोला है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर, V2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एयर में आपको दिया हुआ है, तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा फिनोल या फिर बनेगा मैलेइक एनहाइड्राइड। टेम्परेचर अपन को रिएक्शन में मेंशन नहीं है। तो देखो मैलेइक एनहाइड्राइड ऑप्शन में दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड की पॉसिबिलिटी नहीं आती, बेंजल्डिहाइड नहीं बनता, बेंजोइक एनहाइड्राइड नहीं बनता, तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी आई, वह है मैलेइक एनहाइड्राइड की। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन विथ HCl ऑन एल्कीन, रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकोप रूल टू गिव ए प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl-cyclohexane, द पॉसिबल एल्केन इज। आपसे ये बोला है कि एक रिएक्शन दी हुई है विथ HCl एंड एल्कीन, ये जो एल्कीन आपको दी हुई है इनकी HCl से रिएक्शन करवाने पे आपके पास जो मार्कोनिकोप रूल से रिएक्शन होती है, और मार्कोनिकोप रूल से कौन सी रिएक्शन होती है, मार्कोनिकोप रूल से होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मार्कोनिकोप रूल से कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक ये इलेक्ट्रोफाइल साइन हो गया और ये एडिशन रिएक्शन होती है। अब बात कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1-chloro-1-methyl-cyclohexane, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ये बन रहा है 1-chloro-1-methyl-cyclohexane, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट की रिएक्शन कराऊं HCl से, यहां CH2 कर ले, तो HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो मार्कोनिकोप रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोप रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो देखो यहां दो हाइड्रोजन है, यहां जीरो हाइड्रोजन है, तो H इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, H यहां जाएगा और Cl यहां जाएगा, तो इससे ये बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। डेफिनेटली कैसे बनेगा, देखिए आप इधर कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इस पे क्या आ गया, यहां एच और यहां कौन आ गया, Cl, तो ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 में, और यहां Cl लग गया, तो इससे बन रहा है। इससे अगर बात करें, इस पे अगर HCl की रिएक्शन करवाएं तो वही बात, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोप रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इस कार्बन पे कम है, तो इधर Cl और इधर H, तो यहां Cl जाते ये बन जाएगा, तो इससे भी बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से ये बन रहा है, तो थर्ड, इसमें अगर हम बात करें तो मार्कोनिकोप रूल यहां एप्लीकेबल नहीं है, तो इससे नहीं बनेगा। तो जो आंसर जो जाएगा भाई, यहां मार्कोनिकोप रूल अप्लीकेबल क्यों नहीं है, वहां मार्कोनिकोप रूल अप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और यहां भी एक हाइड्रोजन है। हमें बोला है कि मार्कोनिकोप रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। तो यहां दोनों ही केस में अगर हम बात करें तो आंसर जो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HCl का, HBr का एडिशन बार बार पूछ रहा है, तो इनका एडिशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए और बहुत इजी सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द
nitration of benzene using mixed concentrate H2SO4 and HNO3. If a large amount of KHSO4 is added to mixer, the rate of nitration will be. आप एक रिएक्शन पढ़ के आते हो नाइट्रेशन. ये रिएक्शन पढ़ के आते हैं हम पीछे नाइट्रेशन. और नाइट्रेशन रिएक्शन होती कैसी है कि जब बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं. ये दोनों ही मैंने लिए हैं कंसंट्रेट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये नाइट्रो बेंजीन. इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का होता है वो होता है NO2 प्लस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन. अब क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है. सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों से नाइट्रोनियम आयन बनता कैसे है. ठीक है, तो देखिए HNO3 और H2SO4. HNO3 को मैं ऐसे लिख दूं OH और ये NO2 और यहां H2SO4 OH S डबल बॉन्ड O और ये OH. ओके, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो मतलब ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये तो हो गया ब्रोंस्टेंट एसिड. और ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हो गया ब्रोंस्टेंट बेस. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में ब्रोंस्टेंट बेस की तरह बिहेव कौन करता है और ब्रोंस्टेंट एसिड की तरह बिहेव कौन करता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने वो भी बोला है. तो जैसे ही ये H प्लस इसको डोनेट करेगा क्या बनेगा, ये बनेगा OH2 पॉजिटिव NO2, इधर बना HSO4 माइनस. और HSO4 माइनस बना तो ये OH2 प्लस क्या हो जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा और यहां से कौन सी स्पीसीज बन जाएगी, NO2 प्लस. अब क्वेश्चन को हम देखते हैं. कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. तो मैंने बेंजीन का नाइट्रेशन बताया आपको यूजिंग मिक्स्ड कंसंट्रेट H2SO4 एंड HNO3. मैंने मिक्स्ड कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 लिया. इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सर द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी. कि यदि HSO4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है HSO4 माइनस, इसका लार्ज अमाउंट अगर एड कर दिया जाए तो रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी, कोई चेंज होगा या नहीं होगा. तो देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है ना, यहां से NO2 प्लस बन रहा है और NO2 प्लस बन रहा है तो ये रिएक्शन जो NO2 प्लस बन रहा है उसमें साथ में क्या बन रहा है, HSO4 माइनस. अगर HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुई है तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब NO2 प्लस आयन का फॉर्मेशन स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और NO2 प्लस आयन का फॉर्मेशन अगर स्लो हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो हम बोलेंगे स्लोवर. HSO4 डालने पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लोवर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बेनाइन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स. कि किस ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है, तो वही बात है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. ये एक बार पीछे भी अपने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो यहां मैंने बोला है कि ये जो प्रेजेंट है वो किस में है, SP में. तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 4th. पीछे भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है. नेक्स्ट की बात क्वेश्चन की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करें, उसके बाद हम क्वेश्चन को बात करेंगे. फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है कि जब एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन या एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 करवाते हैं, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड. ये इस Cl को बाहर करता है और क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन बनाता है. और ये कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल. और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है. दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. मतलब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 आप यूज में लेते हो.
अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात कर रहा है कि ये रिंग और ब्रोमोबेंजीन, क्या लिया है, ब्रोमोबेंजीन ये वाला, और यहां पे मैंने वही लेविस एसिड। तो ये क्या ये भी आर बाहर निकलेगा? नहीं, क्योंकि ये इसके साथ क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा है, तो मैं इसको एज ए हैलाइड कंपोनेंट यूज में नहीं ले सकता, क्योंकि यहां से फ्री इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा बोल रहा है क्लोरोएथीन, तो सेकंड क्लोरोएथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हो गया क्लोरोएथीन। तो यहां क्लोरोएथीन की बात करें तो वही सेम कंडीशन है, यहां भी Cl के लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस दिखा रहे हैं, तो यहां भी AlCl3 से इस वाले बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, मतलब यहां से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें क्लोरोबेंजीन, तो वही बात होगी, जस्ट लाइक ब्रोमोबेंजीन ही हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये AlCl3, तो यहां भी ये रेजोनेंस दिखा रहा है, इस बॉन्ड का भी क्लीवेज नहीं होगा, तो ये भी यूज में नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहां हेलोजन रेजोनेंस शो कर रहा है, और जब हेलोजन रेजोनेंस शो कर रहा है तो कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो उस बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, इसलिए यूज में नहीं लेंगे। बट अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये वाला है, और यहां ये सिंगल बॉन्ड है AlCl3, आराम से इस Cl को रिमूव कर देगा और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक कर जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में यह बोला है कि आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला है कि कौन सा कंपाउंड प्रोपीन नहीं बनाएगा, तो उसमें दो बोले हैं कि कैसे बनानी है प्रोपीन आपको, बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन। आपको पहले HBr से रिएक्शन करवानी है और उसके बाद उसका क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है, एक वे तो ये है, दूसरा या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर वो डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन से बना सकता है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करें, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो HBr के अगर साथ इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो HBr के साथ रिएक्शन करवाने पे पहले H+ अटैक करेगा, OH2+ होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, फिर यहाँ से 1-2 क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH और ये Br और ये CH3। कैसे करवाइए रिएक्शन, रिएक्शन मैंने करवाई है, वो कैसे करवाई है इस चीज को आप समझिएगा कि सबसे पहले मैंने, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये रिएक्शन मैंने कैसे करवाई है कि Br बना, तो यहां आप ये देखें कि सबसे पहले CH3CH2CH2OH2+ बना, ये H2O बाहर हुआ, तो आपके पास बना CH3CH2CH2+, उसके बाद यहां से 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद Br- ने अटैक किया, तो ये वाला कंपाउंड बना। अब अगर मैं इस कंपाउंड का एलिमिनेशन करवाऊं, HBr बाहर करवाऊं, तो क्या प्रोपीन बनेगी क्या? डेफिनेटली प्रोपीन बनेगी, क्योंकि इसके साथ ये HBr बाहर हो सकता है, प्रोपीन बन सकती है। तो फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कंपाउंड है जिससे मैं प्रोपीन बना सकता हूं, तो फर्स्ट तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड, अगर बात करें कीटीन की, जो कीटीन है उसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं HBr से, तो HBr का जब इस पे एडिशन होगा, और HBr का एडिशन होगा तो क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा CH2 ये Br, ठीक है, और इधर बन जाएगा आपके पास COH और ये H, और यहां आपके पास रह गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं अपन, कीटीन पे मैं पूरी बाकायदा मैकेनिज्म बताता हूं कि HBr का जब अटैक होगा तो सबसे पहले ये यहां से यहां, तो H+ यहां जाएगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C
ओके, और इधर आपके पास बन गया ओ एच और ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद यहां कौन आएगा, बी आर माइनस। जैसे ये बी आर माइनस आएगा तो ये बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी, ये बी आर, और ये इधर आपके पास आ जाएगा वापस से ओ एच। अब यहां क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये यहां से यहां, जैसे ये जाएगा ये बन जाएगा सी एच टू एच, एच यहां आ जाएगा क्योंकि इनोल से किस फॉर्म में जाएगा, ये कीटो टाइप की फॉर्म में जाएगा, और ये सी, ये बी आर और ये डबल बॉन्ड। अब अगर आप इसमें से एच बी आर बाहर भी करोगे तो प्रोपीन नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो सेकंड वाले से नहीं बनेगा। तो ये बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड नहीं देगा, तो आंसर कौन सा आने वाला है, सेकंड आने वाला है। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में अगर आप डायरेक्ट भी एच बी आर बाहर निकालोगे, यहां बी आर है और यहां एच है, डायरेक्ट एलिमिनेशन कराओगे तो प्रोपीन बन जाएगी, क्योंकि दो वे बोले हैं कि डायरेक्ट एलिमिनेशन करवाने पर, एक वे ये बोला है कि पहले एच बी आर के साथ रिएक्शन कराने के उसके बाद एलिमिनेशन करवाने पे, तो यहां डायरेक्ट एलिमिनेशन करवाने पे बन जाएगी, थर्ड से बन जाएगी। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी वो फोर्थ ऑप्शन में क्रिएट हो रही होगी, तो फोर्थ ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें, इससे पहले फर्स्ट से बन रहा है, सेकंड से बन रहा है, सेकंड से नहीं बन रहा, थर्ड से बन रहा है, फोर्थ से कैसे बनेगा उसको देखें आप इधर। तो फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपके पास है, इस पे एच बी आर का एडिशन होगा, साइक्लोप्रोपेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ड्यू टू हाई स्ट्रेन, इस कंपाउंड में हाई स्ट्रेन है इसलिए ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और यहां से टूटने के बाद ये बनाएगा सी, एक तरफ एच जुड़ जाएगा और एक तरफ कौन जुड़ जाएगा, बी आर, तो सी एच टू बी आर, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री। अब इसमें से अगर आप एच बी आर बार करोगे तो यहां से एच बी आर बार हो जाएगा और प्रोपीन बन जाएगी, तो 45 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन रिएक्शन आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट पी इज, तो आप देखें एच एफ है, एच प्लस देगा, यहां से 0 डिग्री सेल्सियस पे बात हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और एच प्लस यहां जुड़ जाएगा। जैसे ही एच प्लस यहां जुड़ा आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक H प्लस यहां से, अभी इधर देखे जैसे यहां बना, यहां आपके पास जनरेट हो गया H और ये इलेक्ट्रोफाइल, ओके, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, कौन सी रिएक्शन दे देगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले HF क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, इस पे HF का अटैक होगा। अच्छा, कईयों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि इस पॉजिटिव पे एफ माइनस अटैक नहीं करेगा, ये अटैक नहीं करेगा ड्यू टू वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए एफ माइनस अटैक नहीं करेगा, ये कार्बोकेटाइन इस रिंग के साथ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, और इस बेस पे अगर देखें तो आपके पास आंसर जाएगा हो जाएगा सेकेंड। यहां से यहां कौन सी स्टेप हुई है, यहां जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का करेक्ट अगर इंटरमीडिएट बात करें तो वेल नोन रिएक्शन है ये H2O H2SO4 HgSO4, मतलब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, या फिर बोलते हैं इसका दूसरा नाम है कुचेरो रिएक्शन, दूसरा नाम क्या है इसका, कुचेरो रिएक्शन, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां रिएक्शन होगी कैसे, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट क्या बनेगा वो भी देखें, सबसे पहले यहां पे साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच और ये एच जी प्लस, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। उसके बाद H2O का OH- अटैक करेगा,
उधर से अटैक करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन और यहाँ से यहाँ, और फाइनली जो आएगा वो आएगा CH3COH, ठीक है, डबल बॉन्ड, और इधर जुड़ जाएगा CH2, ये H प्लस। तो सबसे पहले ये वाला जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनोल, और ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद ये इनोल से कहां चला जाएगा, कीटो में चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3COCH3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस डायरेक्ट कंसेप्ट है एडिशन ऑफ H2O वाया MKR, या फिर आप MKR से जोड़ सकते हो, या फिर देन टोटोमराइजेशन, उसके बाद क्या कराना है आपको, टोटोमराइजेशन करवाना है। पहले आपको H2O का ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करवाना है MKR रूल से, मतलब इधर OH और इधर H, तो मैंने ये क्या, इधर OH और इधर क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, उसके बाद आपको क्या करवाना है, टोटोमराइजेशन करना है, कीटो फॉर्म बनेगी। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट पूछा है, तो इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ रेस्पेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ एथेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि जब एथेन का जब कंफर्मेशन होते हैं तो किसी भी कंपाउंड के इनफाइनाइट नंबर में कंफर्मर होते हैं। एथेन क्या है, एथेन है आपके पास CH3 और ये CH3, और यहां कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और पीछे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और पीछे के एक क्वेश्चन में मैंने एथेन के स्टगर्ड और एक्लिप्स कंफर्मेशन के बारे में आपको बताया है, आप उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कर सकते हो। और यहां भी देखें, मैं बोल रहा हूं आगे वाले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं 1 2 3, पीछे वाले कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं 1 2 3, और कंफर्मर कैसा हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, ये भी रोटेट होगा कार्बन, मतलब यहां ये जो कार्बन कार्बन है इस पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, जिससे डिफरेंट कंफर्मर आइसोमर मिल रहे हैं। बट हमें पता है कि इन कंफर्मर्स को हम क्या नहीं कर पा सकते, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे रैपिडली एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और जब कंफर्मर बनते हैं तो उनकी बॉन्ड पैरामीटर में कोई चेंजेज नहीं आता है। मतलब ये नहीं है कि एक्लिप्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कुछ अलग है, स्टगर्ड में कुछ अलग होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जितना होगा वो उतना ही वहां होगा। तो यहां बोल रहा है बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, ना बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होता, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, दोनों ही चेंज नहीं होती, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के दौरान जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है या कन्फर्मर्स जब बनते हैं तो बॉन्ड पैरामीटर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि रोटेशन होता रहता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप देख लें, डबल बॉन्डेड है तो कौन सा होता है, पहले तो कंसेप्ट क्या है, जब कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से है तो कौन सा होता है, sp3। कार्बन जब एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड से है तो कौन सा होता है, sp2। कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से है तो कौन सा होता है, sp। और कार्बन जब दो डबल बॉन्ड से है तो कौन सा होता है, sp। ये तो है हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा क्या रहते हैं, सिंगल बॉन्ड रखते हैं, तो ये कौन सा है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये sp2, ये भी कौन सा है sp2, ये भी कौन सा है sp2, और ये भी कौन सा है sp2। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया है, sp2। इसकी बात करें सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो ये sp3, ये sp2, और ये भी sp2, और ये sp3, ये भी नहीं होगा क्योंकि sp भी आना चाहिए। फिर अगर बात करें तो ये sp2, ये sp2, ये sp, और ये sp, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें बोला है sp2 sp sp। इसकी बात करें sp 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 sp, तो एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
hydrocarbon a react with bromine by substitution to form an alkyl bromide which by Hood reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon AH. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझें, बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ए जो भी हाइड्रोकार्बन है, रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन. अब ये बोल रहा है कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना है और ब्रोमीन के साथ हाइड्रोकार्बन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में. और कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, उस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. कौन सा नाम है उसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो वो बोल रहा है कि फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड, फिर वो बनाएगा जो भी हाइड्रोकार्बन है उससे एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा और फिर एल्काइल ब्रोमाइड विच बाय हुड्स रिएक्शन, हुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, एन ए ड्राई ईथर, और बनाएगा आर आर, इज कन्वर्टेड टू गैसेस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन. और इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, लेस देन 4 नंबर ऑफ कार्बन वो होने चाहिए, लेस देन 4 होने चाहिए. अब देखो जैसे फर्स्ट कंपाउंड है तो इसकी सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, पहले Br2CO बन जाएगा CC और ये Br, और अगर मैं इसकी हुड्स रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, तो ये तो 4 कार्बन का हो गया. हमसे बोल रहा है कि लेस देन 4 कार्बन होना चाहिए तो फर्स्ट तो नहीं होगा, ठीक है. दूसरा इसकी बात करें CH4, इसकी अगर Br2CO रिएक्शन होगी, यहां Br2CO से करवाई है मैंने रिएक्शन, इसकी रिएक्शन Br2CO से होगी तो क्या बनेगा, CBr, और इसकी Na ड्राई ईथर से कराऊंगा तो क्या बनेगा, एथेन, जो कि लेस देन 4 कार्बन है तो सेकंड ऑप्शन आएगा. अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है sp3 कार्बन हाइड्रोजन की, किसकी है, sp3 कार्बन हाइड्रोजन की, तो ये कंपाउंड तो फर्स्ट वाली रिएक्शन ही नहीं करेगा, यहां भी नहीं करेगा क्योंकि यहां भी sp3 कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, यहां से देखो क्या किया है, ये एल्काइन है और इस पे H का एडिशन करवाया है तो दोनों H सेम साइड गई है, मतलब इन दोनों H का कैसा एडिशन करवाया है, सिन एडिशन करवाया है, और सिन एडिशन करवाया तो क्या बनाया है उसने, सिस बनाया है. अब देखो ZnHCl ये काम नहीं करता, ये एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करता है, Hg2 plus H plus H2O ये एल्काइन की रिएक्शन है और यहाँ जो रिएक्शन होगा यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ प्रोडक्ट आएगा कार्बोनिल, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. Na लिक्विड NH3, इसको आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ब्रिज रिएजेंट, और ये कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन एंड ट्रांस एल्किन फॉर्म्ड, इसमें कौन सी बनती है, ट्रांस एल्किन बनती है. अगर ये दोनों H अपोजिट होते ना तब ये आंसर जाता, बट H सेम साइड है, H2PDC क्विनोलिन आपने पढ़ा होगा, वेल नोन है, लिंडलार कैटलिस्ट है, और लिंडलार कैटलिस्ट में हम पढ़ते हैं कि दो H का जो एडिशन होता है, दोनों H का वो कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, तो आंसर जो जाएगा एप्रोप्रिएट और मोस्ट करेक्ट आंसर, बाकी कोई सा नहीं है आंसर, ये एंटी जोड़ेगा, ये रिडक्शन करता नहीं है, इसमें मैंने बोला कार्बोनिल बनेगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करें, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ ओजोन एंड जिंक H2 गिव प्रोपेनोन एंड एथेनेल इन इक्विमोलर रेशियो. ऐसे देखें कि एक एल्कीन है ए, ओके okay? इसका हमने करवाया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोन जिंक H2O, और बोल रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास प्रोपेनोन और बन रहा है एथेनेल, और दोनों इक्विमोल में, तो प्रोपेनोल क्या होता है, CH3CO और ये CH3, ये तो क्या हुआ प्रोपेनोन, और दूसरा बन रहा है एथेनेल
CH3COH, ये इस एक एल्किन से बन रहा है। अब हमें पता है कि अगर हमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट पता है तो हम उस एल्किन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कौन सा प्रोडक्ट है। तो मैं एक को आइडेंटिफाई करूं तो कैसे करूंगा आइडेंटिफाई कि CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H और ये CH3, इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। इनको रिमूव करोगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये CH3। मतलब यहां तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये जो है एल्केन एल्किन जो है वो ए, ये वाला है, ये ए है। और अगर ए को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप वापस से चेक कर सकते हैं कि आप इसको ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वही वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसका मतलब अब तक की रिएक्शन में मैंने ए को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ए अपने पास ये आया है, तो मैं ए को वापस से इधर लिख देता हूं। तो ए जो प्रोडक्ट बना था वो ये बना था CH3 डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH3 और ये H, ठीक है। अब बोल रहा है एडिशन ऑफ HCl टू एल्किन, इस एल्किन पे किसका एडिशन करवाना है, HCl का एडिशन करवाना है। तो HCl का एडिशन होगा तो कौन से रूल से होगा, MKR रूल से, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब Cl माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक है, इस पे जीरो है, तो उधर जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये CH3 और ये Cl सिंगल बॉन्ड, ये CH3 ये H और ये H। एल्किन A gives B as the major product, the structure of product B is, ये आपका B है। इस आप ऑप्शन को आप चेक कर लें, ये कहां पे दिया हुआ है CH3 Cl CH2 CH3, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। तो स्टूडेंट ये पार्ट था हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चंस का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में।